मिस्टर जान, आपको पता है हम रास्ता खो गए हैं। आपने तो कहा था कि आपको रास्ता मालूम है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है अब हमारी इस जंगल में डेड बॉडीज मिलेंगी सिर्फ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? ओह अटल, वंडरफुल। मैं वाले से बोल के कार पिकअप करवाता हूँ और तुम तब तक चेक इन करो। ऑलराइट? यस। वेटिंग? यस। हेलो, वो हमने हाँ बताइए क्या चाहिए? हमने एक मीटिंग सुइट की रिजर्वेशन करवाई है जॉन डेविड के नाम से। जॉन डेविड की बात कर रही हो? क्या वो सच में यहाँ पर है? हाँ, आप कौन? मैं आरजू, और तुम शायद उनकी असिस्टेंट हो, है ना? हाँ, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मैंने तुम्हारी फोटोज देखी है मैगजीन्स में। ओह माय गॉड, योर लेग्स आर वेरी लॉन्ग। तुम यहाँ से जा रही हो ना? बी क्विक, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। मैं कह दूंगी मिस्टर जॉन से कि हमारी बात हो गई है। सी यू। सुनिए, इनका जल्दी से चेकआउट कर दीजिए। okay. इन्हें जल्दी जाना है। ओके? हाँ, रुक जाइए एक मिनट प्लीज। सूट, मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दो, ठीक है? आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। आरजू, तुम क्या कह रही हो? जॉन डेविड है यहाँ पर, समझी तुम? जॉन डेविड, वो हैंडसम, कूल, रिच बैचलर है, समझी तुम? परफेक्ट। हाँ? उनसे कहो लगेज रूम में वापस रख दो, हम आज रात यहीं रुकेंगे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम्हारा फेस कितना डल लग रहा है और तुम्हारी स्किन भी कितनी ड्राई है। सो स्ट्रेंज। ये देखो, मेरी है ऐसी? नहीं, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल मैग्निफिसेंट। हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तुम फिर भी स्पा की अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है? वैसे मिस्टर जॉन कितने दिन रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, वो आज रात यहाँ रुकेंगे। अब ये तुम क्या कर रही हो सना? मिस्टर जॉन, हमारा यहाँ आना वेस्ट हो गया। मिस आरजू ने चेकआउट कर लिया है, हमारे लिए रिगार्ड्स भेजे हैं, हमें वापस जाना चाहिए। नो नो नो, मिस आरजू होटल में ही है, मैं उनका ही लगेज वापस लेके जा रहा हूँ। हाँ, मैं अंदर जाता हूँ फिर। ये रहा आपका रूम सर। ये रखो तुम्हारा टिप, मैं फिलहाल शार लेने जा रहा हूँ, मुझे शार की जरूरत है। एक मिनट, ये पैसे मुझे दो। क्यों से क्या मतलब है? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तुम्हारे पैसे अब मेरे हैं। के कपड़े लेकर भाग जाती हूँ। गुड आइडिया सनम। ये अल्बेट्रॉस का टैटू है ना? लेकिन ये आप कैसे? ये टैटू बहुत पुराना है, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अल्बेट्रॉस का टैटू, अल्बेट्रॉस का टैटू, इतना इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। वैसे भी ऐसे कोइंसिडेंस अबनॉर्मल ही होते हैं। सनम, तुमने आरजू के साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी? हाँ, कर दी है। मैं आपके कपड़े अभी लॉन्ड्री से क्लीन करवा के लाती हूँ, ये सही रहेगा, है ना? नहीं सनम, देखो लॉन्ड्री की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ ब्रश करने के लिए बोलना उन्हें, और तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिए तो मुझे नहीं लगता हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। नो नो, वो मिस आरजू भी अगले 2 घंटे तक बिजी है, और तब तक आपके कपड़े भी क्लीन हो जाएंगे। All right, then, दे दो, लेकिन जल्दी आना, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ठीक है। आप यहाँ ज़ियोस की तरह क्यों खड़े हैं? मेरा मतलब है बाथरूम में जाइए, मैं अभी कपड़े क्लीन करवा के लाती हूँ। हेलो, ये कपड़े क्लीन करवाने हैं, 306 में भेज देना। हाँ ठीक है, मैं 15 मिनट में भिजवाता हूँ। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास पूरी शाम है, तुम अपना काम धीरे धीरे करना। हाँ, आराम से भेजना। हाँ
हेलो, ये मिस आरजू यही है? हाँ, मसाज रूम में है। उनका मसाज होने पर क्या आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगी प्लीज? नहीं, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ देखने के लिए। कहाँ हो सनम? मैं होटल में हूँ, एक्शन एक्शन खेल रही हूँ। यार तुम वहाँ क्या कर रही हो? सनम वापस आ गई, उसे बोलना कि मैं उसे हाय बोल रहा हूँ, उसे मिस कर रहा हूँ मैं। जबरदस्त तुम्हारे साथ है? हाँ वो यही है, उसके पास और काम ही क्या है। अब क्या बताऊँ, मैं मिस्टर कैन के साथ एक होटल में हूँ और वो अपने रूम में बिना कपड़े के है, इसलिए मैं बाहर हूँ। सनम क्या हुआ है, ये तुम क्या बोल रही हो? वहाँ से भागो, निकलो अभी। मिस्टर जॉन अपनी कंपनी बेचने के चक्कर में है और मैं उन्हें रोकने का काम कर रही हूँ। मिस आरजू वो ब्यूटीफुल मॉडल, उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ मिस्टर जॉन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और तुम्हें पता है मैंने अभी उनके कपड़े लॉन्ड्री में दिए हैं, इसीलिए वो अभी रूम से बाहर नहीं निकल सकते, और जब तक मैं कपड़े नहीं लाती तब तक वो रूम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे नहीं, क्या हुआ सनम? हेलो हेलो सनम, क्या हुआ आयान, क्या हुआ मुझे बताओ ना। यार तुम बस एक मिनट चुप रहो प्लीज। मिस्टर जॉन आपके कपड़े रेडी हो गए, लाओ मुझे दो। एक सेकंड वेट करना, मैं अभी आता हूँ। इसे क्यों रुकने के लिए कहा? हाँ ये लो तुम्हारा टिप। थैंक यू सो मच सर। ये लीजिए, लाओ मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तुम मिस मेरे पैसे दे दो प्लीज। पड़ा आया, मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो मिस्टर जॉन, मैं मिस आरजू ताज की मैनेजर सूड हूँ। आरजू आपके साथ कॉफी पीना चाहती है, क्या आपके पास टाइम होगा? हाँ एक्चुअली मैं उनसे ही मिलने आने वाला था, मैं जल्दी से आता हूँ। पूछो कब तक फ्री होगा? अच्छा हम एक घंटे में फ्री हो जाएंगे, क्या मैं आपकी अपॉइंटमेंट उनके साथ अरेंज कर दूँ? आप कर दो, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जल्दी। सनम तुम परफेक्ट हो, तुमने सब कुछ अरेंज करके मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे ठंडा पानी चाहिए, एक ग्लास ठंडा पानी। और काम कैसा चल रहा है? एक्सक्यूज मी, ये मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, अगर मुझे बात करनी है तो। मुझे क्या पता। एक्चुअली मैम कभी वो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। ऐसी कैसी सर्विस है आपकी? क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें पता बताया था ना कि नेक्स्ट बिल्डिंग में ही इनोवेशन। मिस्टर हमरे, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो मिस्टर, क्या क्या है तुम्हें? जरा वहां बैठोगी प्लीज वहां बैठ जाओ। पागल हो गई है लड़की। हेलो हेलो मिस्टर एमरे, मैंने बहुत ट्राई किया कि मिस्टर जॉन और मिस आरजू की मीटिंग ना हो, लेकिन उसकी मैनेजर ने कॉल कर दिया, अगले 20 मिनट में मुश्किल होने वाली है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, आई होप वो काम कर जाएगा, बस आप देखते जाइए। अब मैं क्या करती हूँ, थैंक यू, बैठ जाइए। हाँ लड़की के साथ उसकी एक भी फोटो नहीं है। अफ्रीका में रिमोट पैलेस, इमिग्रेशन एग्जिबिशन, ये बंदा एब्सोल्युटली सिंगल है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो यहाँ मुझसे मिलने आया, मुझसे। इसका मतलब मैं उसे याद हूँ। ये क्या, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ हम लोग कई बार अमेरिका और यूरोप में मिले हैं, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। एनीवे अब शायद इम्प्रेस हो गया है। इम्प्रेस्ड? आरजू वो इकरी हारिका की कंपनी के ओनर का बेटा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात को समझो, तुमने आज इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, इसलिए वो तुम्हें कन्विंस करने आया है। मुझे लगता है वो और भी कंपनीज के लिए डील करता है,
है ना? हो सकता है। नहीं, वो इन सब बातों में डील नहीं करता। वो एक फोटोग्राफर है जो हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहता है, और इसलिए वो इस्तांबुल भी आता रहता है, समझी ना तुम? वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे फिर भी डाउट है। देखो हनी, अगर वो मुझे कन्वेंस ही करने आया है तो मैं हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम right? सही कह रही हो। अच्छा देखो, मेरा वजन बढ़ गया है क्या? मेरे हाथ मोटे लग रहे हैं ना? मेरा पेट भी बाहर निकल आया ना, है ना? तो क्या मैं बदसूरत लग रही हूँ? नो, नॉट एट ऑल। तुम सुपर परफेक्ट हो, तुम तो मिस आरजू दास हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। सॉरी, वो मिस्टर जान ने आपके लिए ये भेजा है। ये बोट टूर है, वो आपका वेट करेंगे। ठीक है, पर तुम कौन हो? रिसेप्शन डेस्क पे काम करती हूँ, और मुझे सर्दी हुई है ना, इसलिए मैंने ये मास्क पहना है, वो इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ऑलराइट, थैंक यू। ओ सुन, इसमें लिखा है कि तुम और मैं बोट टूर। दिखाओ मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरे लिए अपना प्यार जताने वाला है। ध्यान से। वो तुम्हारे मास्क के बारे में कह रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी वो सीक्रेट कॉर्नर देखना है, मैं भी चलूंगी। मुझे भी चलना है।